हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 41वीं AGM के दौरान कंपनी ये ऐलान कर रही है। जियोफोन में ये होंगे बदलाव। तीन बड़े बदलाव। नए एप्स का सपोर्ट। YouTube, Facebook और WhatsApp अब जियोफोन पर होगा उपलब्ध। बोलकर यूज कर सकेंगे WhatsApp, Facebook और YouTube। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान दिखाया जा रहा है कि कैसे इन सर्विस को यूज किया जा सकता है। जियोफोन 2 का हुआ ऐलान। गीगा राउटर का हुआ ऐलान। गीगा फाइबर का भी हुआ ऐलान। जियो गीगा टीवी सेट टॉप बॉक्स का भी हुआ ऐलान। जियो टीवी में अब वॉयस कमांड भी काम करेगा। रिमोट में दिया जाएगा नया ऑप्शन। टीवी कॉलिंग फीचर का भी हुआ ऐलान। टीवी से होगी वीडियो कॉलिंग। मुकेश अंबानी ने गिनाई हैं ये उपलब्धियां। 219 मिनट्स प्रति दिन जियो यूजर्स इस सिम को यूज करता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। हम 99% आबादी को कवर करेंगे जहां 4G कनेक्टिविटी होगी। हम इस रास्ते पर तेजी से हैं। 215 मिलियन कस्टमर्स। हम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हुए कस्टमर्स को तेजी से बढ़ाएंगे। ट्राई स्पीड टेस्ट डेटा ने जियो को फास्टेस्ट नेटवर्क का दर्जा दिया है। जियोफोन 25 मिलियन जियोफोन यूजर्स हैं भारत में। हम जियोफोन को दूसरे लेवल पर ले जा रहे हैं। नए ऑप्शन मिलेंगे जियोफोन में। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। भारत ग्लोबल फिक्स्ड ब्रॉडबैंड रैंकिंग में काफी नीचे है। टॉप रेन 5 फिक्स्ड ब्रॉडबैंड में भारत को लाया जाएगा अगले कुछ सालों में। जियो ने 2500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं फाइबर कनेक्टिविटी में। अब फाइबर कनेक्टिविटी को 1100 शहरों में पहुंचाया जाएगा जहां घर में इसे पहुंचाया जाएगा।